हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। जैसे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से क्वेश्चंस जो है हर बार आते हैं, ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम, ऑल स्टेट जो भी एग्जाम होगा, सभी में ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि 3-4 क्वेश्चंस आया हुआ था आपकी बीपीएससी में ही, सेल्डन क्रेसमर ये जरूर आता है, मनोविज्ञान से जरूर आता है, मनोविज्ञान के जनक आया था प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जो विलियम वुंड है। तो दोस्तों, जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बीपीएससी के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट कराई हूँ वो सभी वीडियोज पुनः आप बीपीएससी के लिए देख सकते हैं। क्लास 11-12 का मैंने मैराथन क्लास 11-12 ऑल चैप्टर कराया हुआ है, उसका प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि उसी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। और जो भी उस मैराथन क्लास को किया होगा तो उसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा सही आंसर टिक किए होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, मनोविज्ञान ग्रीक यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। ये आप जरूर याद रखिएगा दोस्तों कि कौन शब्द किस भाषा से लिया गया है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कब क्या पूछेगा कोई नहीं जानता, इसलिए सभी टॉपिक को कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। तो मनोविज्ञान ग्रीक भाषा से लिया गया है, जबकि पर्सनालिटी शब्द जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। तो मनोविज्ञान किसका अध्ययन है, मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है वर्तमान में? तो मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, फिर वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो मनोविज्ञान किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? तो मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। नेक्स्ट है दोस्तों, लंबा वीडियो हो जाएगा, कम से कम 1.5-2 घंटे का। आप अपना पेशेंस बना करके पूरा वीडियो देखिएगा, आधे पर स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड जनक माने जाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी साइको एनालिटिक थ्योरी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने मन की तीन स्थिति बताया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। एंड नेक्स्ट है, कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? तो दोस्तों, अनुभव को जीवन की सफलता की कुंजी मानता है व्यवहारवाद यानी उपयोगितावाद, जिसे एक्सपेरिमेंटिज्म या प्रयोगवाद भी कहते हैं, जिसके जनक हैं जॉन डी। एंड नेक्स्ट है, खेलों के पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया था? पुनः अवलोकन धारणा या पुनरावृत्ति सिद्धांत या रिकैपिटुलेटरी थ्योरी, इसको दिया है जी स्टेनली हॉल ने। एंड नेक्स्ट है, मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक तो विलियम वुंड माने जाते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स माने जाते हैं। बट मनोविज्ञान मस्तिष्क के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रुडॉल्फ गोएकिल ने। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड है, या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछेगा तो भी विलियम वुंड है, जैसा कि आपकी बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ था कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम वुंड। लेकिन मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो रुडोल्फ गोएकिल ने किया था। एंड नेक्स्ट है, फ्रेंच नेसगाल ने शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में कराया? तो दोस्तों, यह डेनमार्क में कराए थे। नेक्स्ट है, वह कौन सा दर्शन है जो सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर जोर देता है? तो वो होता है रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, जिसके जनक हैं अरस्तु, यानी चीजों को उसी रूप में देखो जिस रूप में यथार्थ रूप से हैं। यथार्थवाद के जनक कौन है? अरस्तु। प्रयोगवाद के जॉन डेवी, आदर्शवाद के प्लेटो, एंड प्रकृतिवाद के रूसो। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अंकुरित पत्तियों का खिलना ही खिलना है, यह बात किसने कहा है? तो जॉन गर्ट्समर्स ने कहा है, जो जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह कहे जाते हैं।
नेक्स्ट है वह शब्द जो सही और गलत व्यवहार को परिभाषित करता है एवं उसके सिद्धांतों, मूल्यों और विश्वासों को संदर्भित करता है। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आचार नीति। एंड नेक्स्ट है अभिक्रमित अधिगम, यानी कि प्रोग्रामेड लर्निंग के शाखीय अभिक्रम ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग का विकास किसके द्वारा किया गया? तो यह है नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा। एंड नेक्स्ट है प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रबलन सिद्धांत के या पुनर्बलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं सी एल हल। एंड नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का वह भाग है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है। यह विचार किसने दिया है? तो यह विचार ए आर वेमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है किसने यह प्रतिपादित किया था कि कोई व्यक्ति तब तक तनाव में नहीं आएगा जब तक कि स्थिति के संबंध में उसके अवबोधन के समक्ष चुनौती हो? यह बात है कही है लेजारस ने। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लूम, क्रोथवोही व एसोसिएट ने खेल मनोविज्ञान के उद्देश्यों को कितने भागों में प्रस्तुत किया है? तो इन्होंने खेल मनोविज्ञान को ब्लूम ने और उनके साथियों ने संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगामक यानी कि कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर तीन भागों में मनोविज्ञान के उद्देश्यों को बांटा है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिकों के किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति एक समय में कुछ निश्चित उद्दीपकों का ही प्रत्यक्षण यानी देखना कर पाता है क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है? तो यह किस सिद्धांत के अनुसार है? सूचना संसाधन के अनुसार, कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही उद्दीपक को देख पाता है क्योंकि एक समय में सीमित सूचनाएं ही एकत्रित कर पाता है। राइट बात है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि दुर्भीति, दुर्भीति यानी कि फोबिया कौन सा विकार है? तो दुर्भीति यानी फोबिया कौन सा विकार है दोस्तों? तो दुर्भीति यानी फोबिया जो है यह सामान्य चिंता विकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि दुर्भीति यानी फोबिया कौन सा विकार है क्योंकि विकार से जरूर क्वेश्चन आता है, विकार में आपका पैराओलंपिक भी आ जाता है क्योंकि वो जो है अपंग बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है, इसलिए विकार में ये भी विकार से संबंधित जो भी चीजें हैं आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब पैरा ओलंपिक तो मस्ट है, उससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो दुर्भीति यानी फोबिया कौन सा विकार है? सामान्य चिंता विकार है। एंड नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1965 में। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास की आयु 11 से 14 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको किशोरावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आमतौर पर किस आयु का पता लगाया जाता है? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से आमतौर पर मानसिक आयु का पता लगाया जाता है। जैसे कि आयु का पता लगाने के लिए चार विधियां हैं। एक है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, जो आम जिंदगी में आप सभी अपना स्कूल में नाम लिखवाते हैं या कहीं भी आप काम करते हैं तो जैसे कि इसको जैसे कि वर्षों, वर्ष, महीना और दिनों में जो काउंट किया जाता है उसे क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु कहा जाता है। और वास्तविक आयु को, क्रोनोलॉजिकल एज को कैलेंडर आयु भी बोला जाता है या मार्कशीट आयु भी बोला जाता है। दूसरा होता है एनाटॉमिकल एज, हमारे दांतों, अस्थियों की गणना करके आयु का पता लगाया जाता है। तीसरा है आपका क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजिकल एज, शरीर क्रिया विज्ञान के अनुसार यानी कि जो हमारे शरीर में युवावस्था में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से आयु ज्ञात किया जाता है। चौथा है मानसिक आयु, मानसिक आयु ज्ञात करने का सूत्र तरमन ने दिया है कि एम ए बटा सी ए गुणे सौ यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज गुणे सौ।
तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में नैतिक निपुणता लाने का साधन माना है? तो वो है प्लेटो। अब प्लेटो जी आदर्शवाद के जनक भी हैं, एरियनिज्म के। दोस्तों याद रखिएगा, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के अरस्तु। एंड नेक्स्ट है, खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने दिया? तो प्ले इज लाइफ यानी खेल ही जीवन थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने। तो सभी थ्योरी को आप याद रखिएगा, जैसे कि अतिरिक्त शक्ति धारणा, अविशेष ऊर्जा यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी, हर्बर्ट स्पेंसर सीलर ने दिया है। एंड भविष्यदर्शी धारणा जिसे पूर्वानुमानित धारणा या एंटीसिपेटरी थ्योरी जिसे पूर्वाभ्यास या तत्परता के नाम से भी जाना जाता है, इसको दिया है कार्ल ग्रुस ने। एंड मनोरंजनात्मक धारा यानी रिक्रिएशनल थ्योरी दिया है लॉर्ड किम्स जीडब्ल्यू पैट्रिक ने। एंड पुनः अवलोकन धारा या पुनर्कथन या पुनरावृत्ति का धारा जिसे रिकैपिटुलेटरी थ्योरी कहते हैं, उसको दिया है जी स्टैनली हॉल। एंड मनोविश्लेषणात्मक धारा यानी साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायर ने। एंड रेचन विरेचन धारा जिसे हम मनोभावों का धारणा भी कहते हैं, कैथेलेटिक थ्योरी अरस्तु ने दिया है। एंड सामाजिक धारणा सोशल थ्योरी के दिया है अरस्तु ने। खेल ही जीवन है धारणा दिया है जॉन डीवी ने। एंड अहम विस्तार धारणा लैंज ने। सहज प्रवृत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहज प्रवृत्ति धारा इंस्टिंक्ट प्रैक्टिस थ्योरी यानी मूल प्रवृत्ति की धारणा दिया है विलियम मैकडूगल ने। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय अवधि की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? समय अवधि यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग साइकिल होता है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र, माइक्रो चक्र, इसकी अवधारणा वर्ष 1960 के दौरान रूस के वर्ष 1960 के दौरान रूस के लियो मेदवेदेव ने दिया है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है, आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या तलाशना है? तो सत्य, सुंदरता और अच्छाई को तलाशना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सत्य, सुंदरता एवं अच्छाई को पाना निम्न में से किसका लक्ष्य है? तो आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म का लक्ष्य है। आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म, आइडियो मतलब विचार यानी विचारों पर आधारित है, जिसके प्रवर्तक हैं प्लेटो। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषण की चिकित्सा को किसने विकसित किया? दोस्तों मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी चिकित्सा सिगमंड फ्रायर ने विकसित किया। नेक्स्ट है, शब्द साइकोलॉजी किससे आया है? मैं जस्ट अभी शुरुआत में बताई थी, साइकोलॉजी शब्द जो है वह ग्रीक यानी यूनानी शब्द से आया है। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा यानी ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइके का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान, अध्ययन यानी कि आत्मा का अध्ययन। एंड नेक्स्ट है, मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? मैं जस्ट बताई हूं, आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट है, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे? तो दोस्तों खेल मनोविज्ञान के जनक हैं कोलमैन ग्रिफिथ, जबकि मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम उंट। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के जनक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे तो विलियम उंट, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, साइको का क्या अर्थ है? तो साइके होता है, ठीक है, साइको नहीं होता है। तो साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है कौन है? दोस्तों आदर्शवाद यानी आइडियोलॉजी के जन्मदाता हैं प्लेटो। एंड प्रयोगवाद यानी एक्सपेरिमेंटेशन व्यवहारवाद के जनक हैं जॉन डीवी। एंड यथार्थवाद यानी रियलिज्म के जनक हैं अरस्तु। एंड प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के जनक हैं रूसो। एंड नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद का जनक किसे माना जाता है? प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म के जनक हैं रूसो। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो विलियम उंट को माना जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था।
तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जैसे कि मैंने मनोविज्ञान वाले जो चैप्टर है थ्योरी वाला, मैंने उसमें पूरा बताया है दोस्तों, जो मैंने पढ़ाया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था। तो विलियम उंट, ठीक है। अशुद्ध मनोविज्ञान कहेगा, शुद्ध मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वाटसन है। या व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वाटसन है। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशलों की बढ़ोत्तरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। यह कथन किसका है, तो दोस्तों यह कथन है के एम वंस का। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा किस दर्शन पर आधारित है, तो यह व्यवहारिकतावाद यानी प्रयोगवाद पर आधारित है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है, तो उपयोगितावाद को। इसी को उपयोगितावाद, व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, एक्सपेरिमेंटिज्म, प्राग्मेटिज्म आदि नामों से जाना जाता है, जिसके जनक है जॉन डीवी। नेक्स्ट दोस्तों दार्शनिक शोध को यह भी कहा जाता है, तो जो दार्शनिक शोध होती है, खोज होती है, उसको संकल्पनात्मक शोध भी कहा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में किसने प्रयोगवाद प्रयोग किया, तो कौन किया, प्रयोगवाद के जनक है, प्रवर्तक है जॉन डीवी। एंड नेक्स्ट है दोस्तों खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रण करता है, यह कथन किसका है, तो प्रकृतिवाद के जनक रूसो का है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को युवाओं में चारित्रिक विशिष्ट गुण लाने का सशक्त माध्यम बताया था, तो वो प्लेटो ने बताया था। ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका। एंड नेक्स्ट है दोस्तों शरीर मन का संबंध किसने पहले स्पष्ट किया, शरीर और मन दोनों का जो संबंध है सबसे पहले स्पष्ट किया प्लेटो ने। एंड नेक्स्ट है खेल दर्शन में किसकी जांच के लिए एक क्रमबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो शारीरिक क्रियाकलाप के मूल्य को जांचने के लिए क्रमबद्ध दृष्टिकोण अपनाया जाता है। नेक्स्ट है सीखने का वह सिद्धांत जो उद्दीपन प्रतिक्रिया सहसंबंध बल देता है क्या कहलाता है, तो उद्दीपन प्रतिक्रिया सहसंबंध पर बल देता है वह सीखने का समीपस्थ सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है यानी आइडियोलॉजी के, तो है प्लेटो। नेक्स्ट दोस्तों खेल के कैथेटिक थ्योरी यानी कि मनोरंजनात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो अरस्तु ने दिया है। एंड सोशल थ्योरी भी अरस्तु ने ही दिया है। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इस बात को किसने कहा है, तो अरस्तु ने कहा है। नेक्स्ट है खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसने दिया यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी दिया है जॉन डीवी ने। नेक्स्ट है दोस्तों आदर्शवाद आधारित है, तो किस पे आधारित है, विचारों पर, आइडियाज पर, इसके जनक हैं प्लेटो। नेक्स्ट है विलियम जेम्स मनोविज्ञान को मानते हैं, तो विलियम जेम्स जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, जबकि विलियम उंट जो है मनोविज्ञान के जनक हैं, या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं, और विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। तो विलियम जेम्स जो है मनोविज्ञान को क्या मानते हैं, तो विलियम जेम्स जो है मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का विज्ञान मानते हैं, क्योंकि आधुनिक समय में मनोविज्ञान को कैसा विज्ञान कहा जाता है, व्यवहार का विज्ञान। तो विलियम जेम्स क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, तो क्या मनोविज्ञान को मानेंगे, मानसिक प्रक्रिया और व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। तो इस तरह आप अपना दिमाग लगा के याद करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फिलोसॉफी ऑफ माइंड को क्या कहा जाता है, फिलोसॉफी ऑफ माइंड यानी कि आत्मा अध्यात्म शास्त्र, फिलोसॉफी ऑफ माइंड यानी कि मन के शास्त्र को, अध्यात्म शास्त्र को मेटाफिजिक्स बोला जाता है, अध्यात्म शास्त्र जिसमें माइंड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान
का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम ज्ञान शास्त्र या इपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है, यानी कि दर्शन शास्त्र की 6 शाखाएं हैं, मेटाफिजिक्स यानी अध्यात्म शास्त्र, इपिस्टेमोलॉजी ज्ञान शास्त्र, थ्योरी ऑफ वैल्यू सौंदर्य शास्त्र, एंड एथिक्स नीति शास्त्र, एक्जियोलॉजी मूल्य मीमांसा, लॉजिक तर्क शास्त्र, एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र, ये सभी इसकी 6 शाखाएं हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ वैल्यूज किसे कहा जाता है, तो थ्योरी ऑफ वैल्यूज सौंदर्य शास्त्र यानी कि एस्थेटिक्स को बोला जाता है। नेक्स्ट है आइडियोलॉजी के फिलासफर कौन है, आइडियोलॉजी यानी कि आइडियोलॉजी यानी कि आदर्शवाद के जनक हैं प्लेटो, बाद में अरस्तु यानी एरिस्टोटल भी इससे जुड़ गए थे, तो एरिस्टोटल एंड प्लेटो दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोगवाद को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोगवाद को एक्सपेरिमेंटिज्म यानी प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक हैं जॉन डीवी। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिज्म का दार्शनिक किसे कहा जाता है, तो जॉन डीवी को बोला जाता है। नेक्स्ट है रियलिज्म यथार्थवाद के जनक हैं यानी शुरुआत किसने किया था, तो इसके मेन हैं अरस्तु और इसके साथ साथ इसके सहयोगी हैं अरस्तु, सेंट थॉमस एक्विनास, डेस्क्रेट आदि। नेक्स्ट है दर्शन शास्त्र के पहलुओं को बताइए, यानी कि जो उनकी शाखाएं हैं दर्शन शास्त्र की 6 शाखाएं हैं, जिसमें से पहला है मेटाफिजिक्स तत्व मीमांसा यानी कि अध्यात्म शास्त्र, एंड इपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान शास्त्र, एक्जियोलॉजी मूल्य मीमांसा, एथिक्स यानी नीति शास्त्र, लॉजिक यानी तर्क शास्त्र, एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र। अब खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बात करेंगे, ये तो हम बातें किए थे मनोविज्ञान की कुछ शाखाओं, मनोविज्ञान किसे कहते हैं एंड दर्शन शास्त्र के बारे में। अब इसी के टॉपिक है अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम यानी लर्निंग से अब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सीखी जाने वाली नई विषय वस्तु पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है तो सीखने के इस स्थानांतरण को क्या कहेंगे। दोस्तों पहले जो हम सीखे हैं और जो हम अब सीख रहे हैं, तो पहले से सीखे जाने से जो अभी सीख रहे हैं एकदम भिन्न है, तो भिन्न है तो स्थानांतरण क्या होगा, न धनात्मक होगा न ऋणात्मक होगा, क्या होगा, शून्य स्थानांतरण होगा। जैसे कि सीखने का स्थानांतरण जो है वह 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण एंड शून्य स्थानांतरण। यानी किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में सीखे गए बातों का ज्ञान दूसरे विषय को सीखने में यदि सहायता करे या बाधक होता है तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। या 3 प्रकार का होता है, धनात्मक ऋणात्मक एंड शून्यात्मक। धनात्मक में क्या होता है, जब पहले पूर्व का अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान में सहायता करे तो वो धनात्मक स्थानांतरण होता है, जैसे टेनिस का बैडमिंटन में। ऋणात्मक स्थानांतरण जब होता है, जब पूर्व का ज्ञान नवीन ज्ञान के प्रकार के ज्ञान को अर्जन करने में बाधक हो तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं, जैसे साइकिल का नाव में। एंड शून्यात्मक स्थानांतरण जब पूर्व का अनुभव या ज्ञान नवीन प्रकार के ज्ञान के अर्जन में न तो सहायता करे और न ही बाधक हो, तो वहाँ पर शून्यात्मक स्थानांतरण होगा। यानी एकदम अलग वस्तु है, अलग चीज है, तो यहाँ पे भिन्न शब्द आएगा तो हमेशा शून्यात्मक स्थानांतरण होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि यह व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें बदलाव होता है, तो दोस्तों अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है। तो जब व्यवहार का परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे सीखना कहते हैं। तो जहां भी लर्निंग आए व्यवहार साथ साथ रहेगा, यानी कि आप अनुमान लगा के आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। तो व्यवहार में परिवर्तन क्या है, सीखना है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, ये बात कही है गेट्स ने। नेक्स्ट है खेलों की सरपल्स एनर्जी थ्योरी यानी भविष्यदर्शी धारणा। नो दोस्तों, सरपल्स एनर्जी थ्योरी यानी अतिरिक्त ऊर्जा की धारणा किसने दिया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने दिया है, जबकि भविष्यदर्शी धारणा कार्ल ग्रुस ने दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों,
स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन है? तो यह UPTGT 2021 में आया हुआ था, स्वयं के द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करने की सबसे प्रभावी विधि कौन है? तो ऑब्जर्वेशन विधि यानी अवलोकन विधि। क्या है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन विधि, स्वयं के द्वारा प्रयोग करो, देखो, समझो। नेक्स्ट है, जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज स्थानांतरण। दोस्तों जैसे कि एक प्रकार से धनात्मक, ऋणात्मक, शून्यात्मक होता है, लेकिन एक और प्रकार से यानी कि डायमेंशन या दिशा के आधार पर सीखने का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है। क्षैतिज स्थानांतरण यानी कि हॉरिजॉन्टल स्थानांतरण, दूसरा ऊर्ध्व अंतरण यानी कि वर्टिकल स्थानांतरण, और तीसरा है द्विपार्श्विक यानी बाई लेटरल स्थानांतरण। यानी कि जब एक प्रकार का परिस्थिति में प्राप्त अनुभव प्रयोग उससे मिलती जुलती दूसरी प्रकार की परिस्थिति में होने लगता है तो उसे क्षैतिज अंतरण कहते हैं। जैसे कि एक प्रकार के स्कूटर का दूसरे प्रकार के स्कूटर, यानी स्कूटर चलाने का अनुभव होने पर दूसरे प्रकार के स्कूटर चलाना। जबकि ऊर्ध्व अंतरण यानी वर्टिकल अंतरण क्या होता है कि एक प्रकार की परिस्थिति से प्राप्त अनुभव का प्रयोग हम उससे अलग यानी उच्च श्रेणी, उच्च कोटि की कार्य में करते हैं, जैसे कि साइकिल का कार्य में। द्विपार्श्विक यानी कि बाइलेटरल क्या होता है कि जो आप कार्य दाएं हाथ से कर रहे हैं उसको बाएं हाथ में करने लगे, जो बाएं हाथ से कर रहे हैं दाएं हाथ में करने लगे, यानी एक्सचेंज हो गया, द्विपार्श्विक अंतरण कहलाता है। नेक्स्ट है, अधिगम वस्तुतः आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह बात किसने कहा है अधिगम की परिभाषा में? तो अधिगम जो हम सीखना है, अधिगम है वह हमारे आदतों का, ज्ञान का, अभिवृद्धियों का अर्जन है। इस बात को कहे हैं क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है, मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठारों को, जो मन शारीरिक साइकोमोटर सीमाओं के कारण जो पठार बनते हैं उसे समाप्त करना जो है वो कठिन होता है। पठार क्या होता है? एक सीखने में ऐसी स्थिति आती है जो सीखने का वक्र न तो ऊपर जाता है न तो नीचे जाता है, एकदम सपाट हो जाता है, न तो सीखने की प्रगति होती है न तो हानि होती है। उस कंडीशन में, उस कंडीशन को कहते हैं पठार। और जब मनोशारीरिक सीमाओं वाला पठार होता है तो उसको समाप्त करना क्या होता है? कठिन हो जाता है। ठीक है। एंड जैसे कि सीखने का जो प्रकार है वो तीन प्रकार का होता है, सीखने के वक्र जो है, सीखने का वक्र तीन प्रकार का होता है, ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र, धनात्मक प्रगति सूचक वक्र, मिश्रित वक्र। ऋणात्मक सूचक वक्र में आरंभ में सीखने की जो है गति तीव्र होती है और बाद में मंद होती है। जैसे सीखने की परिस्थिति, जैसे कि जहाँ कार्य आसान होता है, पहले से कुछ कार्य को जानते हैं, तो उस कंडीशन में ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र बनता है, यानी कि उत्तल वक्र बनता है। कैसा बनता है? इस प्रकार का, यह है आपका ऋणात्मक। और जबकि दूसरा में क्या होता है? धनात्मक प्रगति सूचक वक्र का इस प्रकार होता है आपका, ठीक है, अवतल बनता है, कॉन्वेक्स। धनात्मक में क्या होता है कि आरंभ में मंद गति होता है और बाद में तीव्र हो जाता है, यानी कि इसमें धीरे धीरे सीखने वाले व्यक्ति की सीखने की प्रगति बढ़ती जाती है, यानी इसमें अभ्यास और प्रशिक्षण द्वारा वृद्धि होती है। तीसरा होता है मिश्रित वक्र, जिसमें जो है वक्र हमारा क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, सी टाइप, देखने में यस जैसा होता है, इसे यस वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये यस इस प्रकार का बनता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है जिसे हम सीखने का पठार कहते हैं, एक कंडीशन ऐसा आता है कि सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने का कोई प्रगति नहीं होता है, यानी कि कुछ समय के लिए प्रगति रुकी हुई दिखाई देती है। यानी वक्र जो होता है, वक्र की रेखा जो होता है नीचे या ऊपर न जा करके सीधे जाती है। कैसे जाती है? सीधे एकदम पठार की तरह चलने लगती है, एकदम सपाट हो जाती है, इसी को पठार कहते हैं। इसको हम सुधारा जा सकता है, जैसे कि जो पठार बन गया, सीखने में प्रगति नहीं हो रही है, तो उसको हम कैसे निवारण कर सकते हैं? उसको हम उसको मोटिवेट करेंगे, उसके थकान को दूर करेंगे, जिस पद्धति से हम शिक्षा प्रयोग कर रहे हैं उसको चेंज करेंगे, नवीन शिक्षा पद्धति का प्रयोग करेंगे,
व्यक्तियों को रुचि पर ध्यान देंगे, जो उनकी बुरी आदतें हैं उनको निवारण करेंगे। अगर ज्यादा गर्म मौसम है या ज्यादा ठंडा मौसम है तो स्थान समय का परिवर्तन करेंगे और रोगों का उपचार करेंगे। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी को थार्नडाइक ने दिया था, जबकि यहां थर्स्टन दिया है, यहां पे गलत है, थार्नडाइक यहां पे राइट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में अधिगम में स्थिति होती है। तो अधिगम वक्र में प्रथम सोपान में प्रारंभिक स्थिति तेजी होती है, बाद में मंद हो जाती है। इस प्रकार के वक्र को ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र कहते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम का कोहलर सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दोस्तों, कोहलर ने इनसाइड थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि का या सूझबूझ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो अंतर्दृष्टिपूर्ण यानी इनसाइड थ्योरी, जिसमें चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। एंड नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सिद्धांत के सबसे पास है, वह है व्यवहारवाद का शाखा। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए, जो पर्यवेक्षण है, निरीक्षण करता है, उसका हमेशा ध्यान सीखने की स्थिति पर होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, शिक्षकों का व्यक्तित्व जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर शिक्षक का ही व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो बालकों पर खराब प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक परिस्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना क्या कहलाता है, उसको अधिगम का स्थानांतरण यानी सीखने का स्थानांतरण कहते हैं, जो तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। नेक्स्ट है, कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसने दी है। तो कंडीशनिंग यानी अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत या कंडीशनिंग थ्योरी दिया है पावलोव ने, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें भोजन स्वाभाविक उद्दीपन और घंटी अस्वाभाविक उद्दीपन दोनों देने के बाद जो है कुत्ते का जो अनुक्रिया हो जाता है वह घंटी अस्वाभाविक उद्दीपन के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया लार उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रभाव अध्ययन का नियम शुरू किया गया। तो दोस्तों, थार्नडाइक के द्वारा, यानी थार्नडाइक ने सीखने के तीन मुख्य नियम दिए हैं, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट। तत्परता का नियम यानी तैयारी का नियम, माइंडसेट का नियम भी इसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ रेडीनेस यानी रेडी है कि नहीं उस कार्य करने के लिए, यानी पूर्ण रूप से मानसिक रूप से तैयार है या नहीं। जैसे कि हम कोई भी कार्य करने से पहले वार्मिंग अप करते हैं, यानी अपने आप को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, ये आपका तत्परता का नियम के अंतर्गत आ जाएगा, जिसमें दो प्रकार में बांटा गया है, उपयोग अनुपयोग का नियम जो है तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। जिस चीज में हम उपयोग करते हैं, डेली यूज करते हैं, उसमें और भी मजबूत या अभ्यस्त होते जाते हैं, स्थायी रूप से हमको याद रहता है, जबकि जिसका उपयोग करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे विस्मित यानी भूल जाता है। दूसरा होता है प्रभाव का नियम। सॉरी दोस्तों, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम को उपयोग अनुपयोग का भी नियम कहते हैं। ठीक है, यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास कुशलता, अभ्यास से ही कुशलता आता है। तीसरा है प्रभाव का नियम, यानी कि संतोष का नियम, इसे लॉ ऑफ इफेक्ट या लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोला जाता है। इसको संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं, यानी किसी को पुरस्कार दिया जाए, प्रशंसा की जाए, रुचि उसमें है तो उसको संतोष मिलता है और अच्छे ढंग से सीखता है। एंड असंतोष का नियम यानी कि किसी को दंड भय और अरुचि है तो उसमें असंतोष यानी कुंठित हो जाएगा, अच्छा से नहीं सीखेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। तो दोस्तों, सीखने का स्थानांतरण तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक। जब पहले का ज्ञान नए कार्य करने में या सीखने में सहायता करे तो धनात्मक स्थानांतरण, जब पहले का ज्ञान नए कार्य को सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो वो ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पे सीखने का में बाधा उत्पन्न करेगा ऋणात्मक स्थानांतरण, जब न बाधा उत्पन्न करे न सहायता करे तो शून्यात्मक स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है, सीखने के सिद्धांतों की सर्वप्रथम खोज किसने किया था। दोस्तों, तो थार्नडाइक ने किया था। थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत में मुख्य नियम और
सीखने के नियम दिए हैं। सीखने के सिद्धांत में इन्होंने ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत दिया है। याद रखिएगा, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, यानी चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अध्ययन करने के बाद इन्होंने किया है। नेक्स्ट है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। किस के विकास का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों स्पीयरमैन को। और एक कारक सिद्धांत अल्बर्ट बिने ने दिया है, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया है। नेक्स्ट है सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम यानी संतोष का नियम भी, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी बोला जाता है, तो प्रभाव के नियम को। नेक्स्ट है शारीरिक संचार गतिविधि पूर्ण कक्षाएं किसके पद्धति द्वारा बेहतर ढंग से संगठित होती हैं? तो अनुदेश पद्धति यानी आदेश वृद्धि के द्वारा। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल के लिए क्लास की सबसे आदर्श रचना कौन सी होती है या बनावट? तो जो हम फिजिकल एजुकेशन शिक्षण कौशल दे रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो अर्धचंद्राकार, अर्धवृत्ताकार, ठीक है, अर्धवृत्ताकार हम खड़े करवाएंगे बच्चे को, तब हम कोई भी शारीरिक कौशल स्किल को उसको सिखाएंगे। तो अर्धवृत्ताकार सबसे आदर्श बनावट होता है, रचना होता है, जबकि चौकोर, गोलाकार, अर्धचंद्राकार और सीधी लाइन कई प्रकार की रचनाएं होती है, जिसमें अर्धवृत्ताकार सबसे आदर्श होता है, जिसमें जब कोई टीचर सिखाएगा तो सभी को दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो हमेशा सीखने की स्थिति में सुधार की तरफ होना चाहिए उसका ध्यान। नेक्स्ट है व्यवहार की वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो व्यवहार की वृद्धि को हमेशा क्या बोला जाता है? सीखना। आप बार बार ये परिभाषा देखे हैं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? सीखना है। तो व्यवहार की वृद्धि को क्या कहा जाता है? सीखना। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर वर्तमान में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा जाता था। आधुनिक मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का। नेक्स्ट है संतोष का नियम संबंधित है, तो संतोष का नियम प्रभाव के नियम से संबंधित है। एंड नेक्स्ट है थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है? तो परीक्षणों के आधार पर तीन प्रकार के सीखने का वर्णन किया है, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तैयारी का नियम या माइंडसेट का नियम, एंड अभ्यास का नियम यानी लॉ ऑफ यूज डिसयूज या उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहते हैं, और तीसरा है प्रभाव का नियम या संतोष का नियम, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या संतोष असंतोष का नियम। नेक्स्ट है टेनिस में फोरहैंड ड्राइव सीखने पर क्रिया टॉप स्पिन सहित फोरहैंड में रूपांतरित हो जाती है, इस प्रकार के प्रशिक्षण का स्थानांतरण किसका उदाहरण है? तो यह सकारात्मक स्थानांतरण का उदाहरण है, यानी सहायता कर रहा है दूसरी क्रिया को करने में। तो दोस्तों जैसे कि UPTGT का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, होगा, और UPLT ग्रेड का अभी तक वैकेंसी नहीं आया है, वो भी आएगा, इतना दिन हो गया, तो सब के लिए सभी वीडियोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप उत्तराखंड ELT का तैयारी कर रहे हो, चाहे हरियाणा का तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन का। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में अधिगम, शारीरिक शिक्षा में अध्ययन या अधिगम को मुख्य रूप से तीन अंतरक्रियात्मक कार्य के रूप में देखा जा सकता है, तो कौन कौन से? छात्र सामाजिक प्रणाली, संगठनात्मक कार्य प्रणाली, अनुदेशात्मक कार्य प्रणाली, यानी सभी छात्रों के बीच सीखने के उच्च स्तरों को कौन सा मूल्यांकन बढ़ावा देता है जहां विकास तथा सीखने की आवश्यकता होती है? तो वह होता है दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन ही सीखने का सबसे अच्छा उच्च स्तर का सीखने कहा जाता है। रचनात्मक यानी कुछ क्रिएटिव कार्य करें अपने तरफ से। नेक्स्ट है नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र की आकृति कैसी होती है? तो नकारात्मक यानी कि जो सीखने का वक्र होता है तीन प्रकार का होता है, ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र, धनात्मक प्रगति सूचक वक्र एंड कॉम्बिनेशन यस प्रकार का। तो जो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उसका जो वक्र बनता है, ऋणात्मक का वक्र दोस्तों ऐसे बनता है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, और धनात्मक का इस प्रकार से बनेगा, धनात्मक का ऐसे बनेगा,
और जो कॉम्बिनेशन होता है उसको यस प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पे नकारात्मक अधिगम वक्र में प्रारंभ में गति सीखने की तीव्र होती है, बाद में कम हो जाती है जैसे कि दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नकारात्मक त्वरित अधिगम वक्र की आकृति उत्तल वक्र होती है। कैसी होती है, उत्तल वक्र यानी गोलाकार, और जो अवतल मतलब धसा हुआ। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है। तो किंडरगार्टन यानी बच्चों को खेल खेल विधि में सिखाना, तो फ्रॉबेल ने दिया है। और शिक्षा में खेल विधि के जनक है कार्ल वेल कुक, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीखना प्रभावित होता है किससे दोस्तों, प्रेरणा से, मोटिवेशन से। आपके अंदर यदि प्रेरणा है, सीखने की चाह है, तो कोई नहीं रोक सकता। यानी सीखना किससे प्रभावित होता है, प्रेरणा से। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। नेक्स्ट है, गामक कौशल यानी मोटर स्किल सीखने को उत्तम ढंग है। तो दोस्तों किसी भी चीज को सीखने का उत्तम ढंग है प्रैक्टिस यानी अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि अभ्यास ही आपको परफेक्ट बना सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीखी गई क्रिया का उपयोग अन्य सामान्य परिस्थितियों में किया जाना क्या कहलाता है। तो अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीखना यानी लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है तो परिपक्वता पर यानी मैच्यूरेशन पर। यानी आपका छोटे बच्चे हैं 2 साल के, तो आप साइकिल चला पाएंगे नहीं, क्योंकि आपका जो अंग है शरीर का वो परिपक्व नहीं हुआ है। तो सीखना जो है वो लर्निंग जो है माइंड और बॉडी दोनों को परिपक्व होने पर निर्भर करता है। नेक्स्ट दोस्तों, गहन अध्ययन का थंडायक नियम है। तो प्रभाव का नियम को गहन अध्ययन का थंडायक नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों थंडायक ने। सीखने के 3 मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल के सीखने में सहायता करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सहायक स्थानांतरण। क्या कहेंगे, सहायक स्थानांतरण, यहां प्रशिक्षक का स्थानांतरण नहीं कहेंगे। जैसा ऑप्शन दिया रहेगा वहां ऐसा होगा, सहायक है तो सहायक स्थानांतरण, बाधक होगा तो ऋणात्मक स्थानांतरण, न बाधा करेगा न सहायक करेगा तो ऋणात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है, पुरस्कार एवं दंड सीखने के किस नियम का प्रतिरूप है। तो प्रभाव के नियम को, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन, संतोष असंतोष, पुरस्कार एवं दंड आदि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, कक्षा 2 के बच्चों को शारीरिक शिक्षा सिखाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे। दोस्तों तो कक्षा 2 का बच्चा यानी छोटा बच्चा हमेशा देख कर सीखता है, यानी अनुकरण करके सीखेगा, तो यहाँ पे अनुकरण विधि राइट होगा। नेक्स्ट है, सीखने की अंतर्दृष्टि यानी कि इनसाइड थ्योरी के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया था। तो बंदर यानी चिंपैंजी पर किया था। इन्होंने ऊपर केला लटका दिया था और नीचे बेंच रख दिया था, और बेंच पे चढ़ के उसने केला को प्राप्त कर दिया था। फिर देखा 2 बेंच रख दिया और केले को और ऊपर कर दिया, तो चिंपैंजी ने क्या किया, बेंच को बेंच के ऊपर रख करके प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने केले को बाहर रख दिया, अंदर एक छड़ी रख दिया, तो चिंपैंजी ने अपना ऑब्जर्वेशन किया और छड़ी से केले को घिसका करके यहाँ प्राप्त कर लिया। फिर उन्होंने प्रयोग किया कि केले को और उधर रख दिया, 2 छड़ी रख दिया, तो चिंपैंजी ने अपना ऑब्जर्वेशन किया, सोचा, बुद्धि दिमाग लगाया और दोनों छड़ी को आपस में जोड़ करके केले को प्राप्त कर लिया। यानी अंतर्दृष्टि यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट दोस्तों, सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, यह कथन किसका है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। यही आपको देखना है, सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि क्या स्मरण रखे, क्या भुला दे, सभी चीजों को आप याद क्यों रखेंगे जो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रक्रिया में सहायक है। तो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में सहायक है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्किनर के द्वारा सीखने की दी गई परिभाषा क्या है। स्किनर ने कहा है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। जितना आप सीखेंगे उतना ही सामंजस्य स्थापित करेंगे। नेक्स्ट है, अभिन्न तत्वों का सिद्धांत यानी कि अभिन्न मतलब समान तत्वों का सिद्धांत संबंधित है। तो सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत यानी सीखने का स्थानांतरण तभी होगा, यानी पहले के अर्जन ज्ञान
नए कार्य में सहायता तभी करेगा जब समान तत्व मिलते जुलते रहेंगे तभी। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है, उपयोग और अनुपयोग के नाम से भी अभ्यास के नियम को जाना जाता है। नेक्स्ट है सीखना कौन सी क्रिया है दोस्तों, तो सीखना क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यानी सीखना क्या है, एक व्यवहारिक क्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, व्यवहारिक क्रिया है। नेक्स्ट है कौशल सीखने की ऋण किसे समझा जाता है दोस्तों, तो किसी भी चीज को सीखने का ऋण है अभ्यास, प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप उसमें अभ्यस्त होते जाएंगे। नेक्स्ट है सीखने की गति की एक सीमा होती है जिसके बाद में सुधार करना असंभव होता है, तकनीकी रूप से इस अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको अधिगम का पठार यानी कि प्लेटू कहते हैं। यानी सीखने के वक्र तीन प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक प्रगति सूचक, धनात्मक प्रगति सूचक एंड कॉम्बिनेशन। जब सीखना एकदम रुक जाता है उस स्थिति को हम कहते हैं अधिगम का पठार, सीखने का पठार या प्लेटू। नेक्स्ट है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास किस उम्र में अधिक तेज होता है, तो 13 से 19 वर्ष में। नेक्स्ट है दोस्तों यांत्रिकीय दबाव, ध्वनि इत्यादि भौतिक ऊर्जा के संदर्भ में उद्दीपन को किस मनोवैज्ञानिक ने परिभाषित किया है, तो क्लार्क हल ने इसको परिभाषित किया है। नेक्स्ट है सकारात्मक और नकारात्मक स्थानांतरण दोनों मुख्यतः किसका परिणाम है, तो सकारात्मक और नकारात्मक स्थानांतरण दोनों मुख्यतः पहले और दूसरे कार्य की में अनुक्रिया की समानता का परिणाम है। नेक्स्ट है निरीक्षण का प्राथमिक केंद्र बिंदु हमेशा होना चाहिए, तो दोस्तों सीखने की स्थिति पर हमेशा रहना चाहिए यानी अधिगम स्थिति पर। नेक्स्ट है दोस्तों आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, यह अध्ययन कौन से नियम के, सीखने के किस नियम के अंतर्गत संबंधित है दोस्तों, तो यहाँ पे हर बुक में प्रभाव का नियम दे दिया है, लेकिन वास्तविक में आप सोचिए इसको कि हम घोड़े को तो पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, यानी जब तक उसका मन नहीं रहेगा, जब तक वो तत्पर नहीं रहेगा, जब तक घोड़ा रेडी नहीं होगा तब तक हम उसको पानी नहीं पिला सकते, यानी कि यह तत्परता का नियम के अंतर्गत आएगा, प्रभाव के नियम के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे तत्परता का नियम ही राइट होगा दोस्तों, और आपके अनुसार क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है दोस्तों अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अधिगम कहते हैं। यानी कि अनुभव और परिणाम के परिणाम, अनुभव एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, किस प्रकार का परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, सीखना यानी अधिगम कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास के उद्देश्य में किस योग्यता को रेखांकित किया गया है, तो यानी जिसके पास व्याख्यात्मक और बौद्धिक विकास होगा वह ठीक ढंग से सोचने और समस्या हल करने की योग्यता उसमें हासिल हो जाएगी। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का होलिस्टिक यानी समग्र कार्यक्रम विद्यमान है, तो शारीरिक शिक्षा का समग्र कार्यक्रम यानी होलिस्टिक कार्यक्रम बच्चों के पाठशाला के अनुभव में विद्यमान होता है। नेक्स्ट है अध्यापन सहायक सामग्री के प्रयोग से क्या होता है, अगर अध्यापन सहायक सामग्री है तो जो हमारा अध्यापन होगा वह प्रभावकारी इफेक्टिव बनता है। नेक्स्ट है उपयोग और अनुपयोग नियम का सीखने के किस नियम को कहा जाता है, तो दोस्तों अभ्यास के नियम को उपयोग अनुपयोग का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यदि एक विशेष कौशल अधिग्रहण किसी दूसरे कौशल को सीखने में हस्तक्षेप कर यानी बाधा उत्पन्न करे तो क्या होगा, तो नकारात्मक स्थानांतरण होगा यानी कि ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। जब सहायता करेगा दूसरे कार्य को करने में तो सहायक स्थानांतरण, जब न सहायता करेगा नए कार्य सीखने में न तो बाधा उत्पन्न करेगा यानी कौशल एकदम भिन्न होगा तो वहां पे शून्यात्मक स्थानांतरण होगा। नेक्स्ट है अधिशेष ऊर्जा का सिद्धांत दिया, यानी कि अधिशेष ऊर्जा
यानी अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। नेक्स्ट है, प्रदर्शन बढ़ाने हेतु संज्ञानात्मक हस्तक्षेप योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? तो मानसिक अभ्यास सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, पावलाव के अनुसार अनुकूलन का पर्याय है तो अनुक्रिया अनुक्रिया यानी आर आर द्वारा सीखना, अनुक्रिया अनुक्रिया यानी आर आर द्वारा सीखना, यानी कि इन्होंने भोजन रखा, घंटी रखा, भोजन एक बार भोजन रखा, फिर कुत्ते के मुंह से भोजन के देखकर लार निकला, फिर भोजन के साथ बार बार घंटी रखे यानी अस्वाभाविक उद्दीपन, और जिस प्रकार भोजन को देखकर एक बार ऐसा समय आया कि भोजन नहीं रखा गया ओनली घंटी बजाया गया, तो जिस प्रकार भोजन और घंटी को देखकर लार निकलता था उसी प्रकार घंटी का आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह से लार निकला, यानी कि उस अस्वाभाविक उद्दीपन यानी घंटी के प्रति उसकी अनुक्रिया हो गया, यानी कि अनुक्रिया अनुक्रिया आर आर द्वारा सीखना। नेक्स्ट है, कौन सी विधि शारीरिक शिक्षा के कौशल सीखने का सर्वोत्तम विधि है? तो दोस्तों ट्रायल एंड एरर थ्योरी विधि द्वारा, यानी कि इसको थ्योरी के ट्रायल एरर थ्योरी यानी कि दिया था थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी गलती करता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसको मार्गदर्शन और परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट है, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी है? कोहलर ने इनसाइड थ्योरी में दिया है, यानी कि मनस्थिति थ्योरी जिसमें अंतर्दृष्टि थ्योरी जिसमें पूर्ण परिस्थिति का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, बुद्धि दिमाग लगाया जाता है तब कार्य किया जाता है, जिसमें चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया। नेक्स्ट है, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन है, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन है खेल मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, यह परिभाषा दिया है गेट्स ने। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणी के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो क्रूक्स एंड स्टेन ने। मनोविज्ञान को अन्य प्राणी के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन किसने कहा है? क्रूक्स एंड स्टेन ने। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन संबंध है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है, पावलाव से संबंधित है, तो पावलाव ने कौन सा थ्योरी दिया था? कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी यानी अनुबंधित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सीखने का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया था जो कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, स्किनर ने प्रस्तुत किया था, तो स्किनर ने सीखने का अप्रेंट अनुकूलन सिद्धांत, यानी कि इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया कहेगा तो पावलाव हो जाएगा, कंडीशनिंग थ्योरी शास्त्रीय अनुबंधन अनुकूलित अनुक्रिया, यानी सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया कहेगा तब स्किनर होगा, याद रखिएगा सीखने का अपरेंट अनुकूलन क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर ने दिया है जिन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, किन आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों तो किन आधारभूत कौशल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है? यदि हम स्किल पर निपुणता प्राप्त कर लेंगे, तकनीकी निपुणता, तकनीक, रणनीति, टैक्टिक्स टैक्टिक्स इन चीजें पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो किसी भी कौशल इन कौशल में इन सभी चीजों पर हम गहनता से अध्ययन करेंगे तो हम विजय प्राप्त कर सकते हैं किसी भी चीज में। नेक्स्ट है दोस्तों, मानसिक प्रक्रिया के द्वारा शारीरिक रोगों के सकारात्मक सोच क्या कहलाता है? तो यह प्लेसबो इफेक्ट कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में कि मानसिक प्रक्रिया के द्वारा शारीरिक रोगों के सकारात्मक सोच क्या कहलाता है? तो प्लेसबो इफेक्ट। नेक्स्ट है, जब कोई टेनिस खिलाड़ी गोल्फ सीखने का प्रयास करता है तो यह है, तो यह क्या है? एक सकारात्मक स्थानांतरण है, यानी सहायता कर रहा है। नेक्स्ट है, अधिगम का कोहलर का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम इनसाइड थ्योरी पर संबंधित है जो कोहलर पर इन्होंने प्रयोग किया।
नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों सीखने का स्थानांतरण कहेगा तो जीम पियाजे होगा, अभिप्रेरणा का संज्ञानात्मक सिद्धांत तो यहाँ पे जॉन डीवी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूचना की उत्तम प्रक्रिया जो इनपुट तथा फीडबैक का सिद्धांत है वह है अधिगम का साइबरनेटिक सिद्धांत, अधिगम का साइबरनेटिक सिद्धांत। नेक्स्ट दोस्तों इंट्राम्यूरल स्पोर्ट्स कंपटीशन वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिगम का मूल उद्देश्य होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ भी जाता है बार बार, इंट्राम्यूरल एक्स्ट्राम्यूरल। तो इंट्राम्यूरल जो है चहार दीवानी यानी अपने संस्था के अंदर जो कंपटीशन होता है उसे इंट्राम्यूरल कहते हैं, एक्स्ट्राम्यूरल जो होता है एक संस्थान से दूसरे संस्थान के बीच जो कंपटीशन होता है उसको एक्स्ट्राम्यूरल कहते हैं। तो जो इंट्राम्यूरल होता है उसमें विद्यार्थियों के लिए अधिगम का मूल उद्देश्य क्या होता है कि अधिगम अनुभव का खेल सीखना, प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंदी और दर्शक दोनों को भाग लेने द्वारा सिखलाना आदि। नेक्स्ट है बिल्कुल तुरंत सीखी गई चीजें सबसे ज्यादा स्मरण रहती हैं, यह कैसे संबंधित है, तो आसन्न काल, अभी जस्ट आपने कोई चीज सीखा है आपको सबसे ज्यादा वो अच्छे से याद है बट कुछ समय के बाद भूल जाएगा, तो इस आसन्न काल नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है असामान्य व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है, यह मनोविश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट है पिकनिक एथलेटिक एस्थेनिक जैसे शरीर के व्यक्तित्व का प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, तो क्रेसमर के द्वारा, क्रेसमर ने बॉडी टाइप को तीन भागों में बांटा है, पिकनिक यानी गोल का, एथलेटिक यानी कि मसल्स वाला मजबूत बॉडी, एथलेटिक एस्थेनिक यानी कि दुबला पतला अस्थि प्रधान शरीर लंबकाय, एंड जबकि सेल्डन ने तीन भागों में बांटा है एंडोमॉर्फिक मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट है एंडोमॉर्फ व्यक्ति कौन सी विशेषता होती है, तो एंडोमॉर्फिक यानी गोलकाय, मेसोमॉर्फिक यानी कि मसल्स प्रधान मजबूत बॉडी और एक्टोमॉर्फिक यानी कि अस्थि प्रधान दुबला पतला शरीर। तो एंडोमॉर्फिक व्यक्ति में विशेषता होता है ये अपनी योग्यता का अधिमूल्यांकन करते हैं यानी आत्म केंद्रित और अंतर्मुखी होते हैं, आत्म केंद्रित अंतर्मुखी दोस्तों एक्टोमॉर्फिक होते हैं, ये क्या होते हैं अधिक खाने वाले थुलथुला शरीर वाले गोलकाय होते हैं, अपनी योग्यता का अधिमूल्यांकन करते हैं, आनंद युक्त होते हैं और ज्यादातर वेट वाले क्रियाओं में जैसे कि कुश्ती एंड वेट लिफ्टिंग आदि में ज्यादा सिद्धस्त होते हैं, गति वाली क्रियाओं फुर्ती वाले में ये उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। देखिए मेसोमॉर्फिक क्या होता है मसल्स प्रधान सही प्रकार से वो मजबूत होते हैं, जबकि एक्टोमॉर्फिक क्या होता है अस्थि प्रधान या दुबला पतला शरीर जो आत्म केंद्रित और अपने आप में केंद्रित होने वाले यदि अंतर्मुखी होते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण क्या है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम और वातावरण होता है यानी कि एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नेचर और नर्चर का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के शरीर प्रकारों के वर्गीकरण के विकास के संबंध में विद्वानों का सही अनुक्रम है, तो दोस्तों हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व को चार प्रकार में बांटा, क्रेसमर ने चार प्रकार में, सेल्डन ने तीन प्रकार में, हिच तो यहाँ पे हिप्पोक्रेटस, क्रेसमर, सेल्डन, हिथ, कार्टर, सोमेटो टाइप आदि राइट है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के आवश्यकता का पद अनुक्रम प्रारूप के प्रणेता कौन है, तो मैस्लो है। नेक्स्ट है शरीर वर्गीकरण की प्रणाली की खोज करने वाला सर्वप्रथम ज्ञात व्यक्ति कौन है, तो वो है विलियम सेल्डन। शरीर वर्गीकरण यहाँ पे सेल्डन का क्वेश्चन आया भी था कि सेल्डन ने सोमेटोटाइप को किस लिए बांटा है, तो शरीर के बॉडी पोस्चर के लिए इन्होंने बांटा है जिसमें एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक को गोलकाय, मेसोमॉर्फिक को सुडोलकाय एंड एक्टोमॉर्फिक को लंबकाय बॉडी कहा जाता है यानी कि एंडोमॉर्फिक को विस्रोटोनिक, मेसोमॉर्फिक को सोमेटोटोनिक, एक्टोमॉर्फिक को सेब्रोटोनिक आदि उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक रूप से हर परिस्थिति में स्थिरता से सोचना, महसूस करना
और व्यवहार करना मनुष्य का कौन सा गुण कहलाता है? यह एक अच्छे पर्सनालिटी का यानी व्यक्तित्व का गुण कहलाता है। नेक्स्ट है मेसोमोर्फी व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? मेसोमोर्फी यानी मसल्स प्रधान, गठिला शरीर यानी गर्दन मजबूत और कद काठी लंबी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों मनोलैंगिक विकास किसके दौरान होता है? तो किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? तो दोस्तों व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है वंशानुक्रम एवं वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नेचर एंड नर्चर। नेक्स्ट है किस काल में वृद्धि सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों शैशवावस्था में सबसे ज्यादा 0 से 3 वर्ष में होता है सबसे ज्यादा वृद्धि। एंड नेक्स्ट है स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट है किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता? तो टाइप बी व्यक्तित्व, जबकि टाइप ए जो है वो स्पर्धाशील होता है। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है? तो विलियम जेम्स ने बताया है। नेक्स्ट है संज्ञानी विधा का संबंध किससे है? तो चिंतन अनुभव से है। संज्ञान मतलब चिंतन करना, ठीक है, मनोविज्ञान में। नेक्स्ट है सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन नियंत्रित करता है, सोमेटोट्रॉफिक यानी वृद्धि हार्मोन, यह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यह हमारे शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है यानी इसकी कमी से बौनापन यानी मिक्सीडीमा रोग हो जाता है, मिक्सीडीमा। नेक्स्ट है यदि किसी बालक द्वारा खेल में वीरता का अभिनय किया जाता है तो यह किस प्रकार का खेल है? तो यह संवेगात्मक इमोशनल खेल है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों का चयन करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक है? तो दोस्तों बच्चों की शारीरिक दक्षता यानी कि जो फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस, और उसकी आवश्यकता क्या है उसको हम ध्यान में रख करके शारीरिक शिक्षा के क्रियाकलापों का चयन करेंगे। नेक्स्ट है किन 3 व्यक्तित्व के गुणों के कारण शारीरिक शिक्षक दूसरे शिक्षकों से अलग होता है? तो शारीरिक शिक्षक जो होता है उसका प्रभावी आकर्षण होता है देखने में, और बेहतरीन स्वास्थ्य होता है, और उच्च स्तर की उसमें सक्षमता होता है, क्षमता होता है। नेक्स्ट है पिकनिक शरीर एक प्रकार है जिसे किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किसने इसको वर्गीकृत किया है? क्रेसमर ने। पिकनिक एथलेटिक एस्थेनिक यानी पिकनिक गोलकाय, एथलेटिक मजबूत बॉडी मसल्स प्रधान, एस्थेनिक लंबकाय यानी दुबला पतला शरीर, इन 3 भागों में बांटा है क्रेसमर ने, जबकि सेल्डन ने एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक बांटा है। नेक्स्ट है मानसिक विकास में सम्मिलित गुण है, तो मानसिक विकास जिसका रहेगा वो तर्क और चिंतन ज्यादा अच्छा कहेगा, तो तर्क और चिंतन राइट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कि सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है जो कि बच्चे को उसके अभिभावकों एवं दूसरे द्वारा सिखाई जाती है? वह होता है सुपर ईगो। सिगमंड फ्रायड ने साइको एनालिटिक थ्योरी में मन को 3 भागों में बांटा है, इड ईगो, सुपर ईगो। तो जो हमारा नैतिक मन होता है वह सुपर ईगो होता है, जो सबकॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। नेक्स्ट है खेल मनोविज्ञानी किस विधि का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं? तो दोस्तों सोशियोमेट्रिक यानी समाजमिति उपकरण का प्रयोग करके, विधि का प्रयोग करके खिलाड़ी के व्यक्तित्व को जानने का प्रयास करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है। एंड नेक्स्ट है जो नेता अपनी शैली के कार्य उन्मुख और निर्देशात्मक शैली से अधिक संबंध बनाने और कम निर्देशात्मक शैली से समायोजित करते हैं, वे पालन करते हैं पारिस्थितिकीय नेतृत्व का सिद्धांत का पालन करते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर के शारीरिक बनावट से संबंधित एक शैक्षिक पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? तो उसको हम शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन कहते हैं।
नेक्स्ट है किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो वह बौद्धिक समझदारी कहलाती है। जो किसी की आलोचना कर रहा है, निर्णय ले रहा है, इस प्रकार के जो विचार होते हैं बौद्धिक समझदारी कहलाती है। नेक्स्ट है व्यक्तियों के शरीर के प्रकारों को किसने तीन श्रेणियों अर्थात एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक, एक्टोमोर्फिक में बांटा है, तो सेल्डन ने बांटा है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करती है। यह कथन किसका है, एचसी मोरिसन का है। यानी व्यक्तित्व को इन्होंने क्या बोला, व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखने की प्रक्रिया है। यानी कि इन्होंने व्यक्तित्व में परिवर्तन को सीखने की प्रक्रिया माना है जो नई सोच व मूल्यों व योग्यता की समझ का निर्माण करता है। नेक्स्ट है 16 PF यानी पर्सनालिटी फैक्टर्स। 16 PF, PF का मतलब है पर्सनालिटी फैक्टर्स। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि PF का मतलब क्या है, तो पर्सनालिटी फैक्टर्स। तो 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर, पर्सनालिटी कैसा व्यक्तित्व परीक्षण है, यह मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण परीक्षण है। नेक्स्ट है एफ परीक्षण किसकी तुलना में प्रयोग आता है, तो दो से अधिक चरों के लिए में एफ परीक्षण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसका संदर्भ एस्थेटिक बॉडी टाइप्स है, एस्थेटिक यानी कि पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक। पिकनिक जो होता है गोल का, एथलेटिक मजबूत बॉडी मसल्स प्रधान, एस्थेटिक जो है दुबला पतला शरीर अस्थि प्रधान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कठ काठी पतला तथा छीड़ छाती वाला हो जाएगा, इसको बांटा है क्रिसमर ने। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि यह स्वभाव से संबंधित होता है। नेक्स्ट है मानव के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के सही क्रम क्या है, तो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वयस्कावस्था होता है। नेक्स्ट है फ्रायड ने प्रतिपादित किया, तो इन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी दिया है सिगमंड फ्रायड ने, मनोविश्लेषणात्मक धारणा यानी साइको एनालिटिक थ्योरी। नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था में एरोबिक अभ्यास से मांसपेशियां होती है, तो पूरी बाल्यावस्था में जो एरोबिक अभ्यास करेंगे तो मांसपेशियां लंबी और पतली हो जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वर्षों, महीनों, दिनों में आयु के रूप में जाना जाता है, तो जिसमें आयु की गणना वर्षों, महीनों, दिनों में किया जाता है उसको कालक्रमिक आयु या वास्तविक आयु कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों पर्सोना शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो दोस्तों पर्सोना शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब होता है मुखौटा। यानी कि जो हमारा पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, यह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट है प्रारंभिक सोपान में बाल्यावस्था की अपेक्षा वृद्धि की गति कैसी होती है, तो समान गति होती है। नेक्स्ट है मनोशारीरिक का मनोकारक अनुक्षेत्र संबंधित है, मनोशारीरिक यानी साइको मोटर का मनोकारक अनुक्षेत्र संबंधित होता है गति कौशल से, मोटर मतलब कौशल, ठीक है, गति कौशल से। नेक्स्ट है दोस्तों अनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है, दोस्तों तो हमारे जो कोशिका होता है, कोशिका में जो हमारा न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स जो है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है जिसके अंदर जीन्स होते हैं, और जीन्स जो है वो अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है। नेक्स्ट दोस्तों क्रोमोसोम किन अणुओं से बना होता है, अभी जस्ट बताई हूँ, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए से बना होता है प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। नेक्स्ट दोस्तों सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया, तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट दोस्तों मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया, तो 19वीं सदी में कहा गया, एंड 16वीं सदी में आत्मा का विज्ञान,
17वीं सदी में मन का विज्ञान, 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान, 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान कहा गया। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मन विज्ञान को आत्मा, इसके बाद मन, उसके उपरांत क्या कहा गया, चेतना का विज्ञान, उसके बाद अब वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई है, तो दर्शन शास्त्र से हुई है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो मानव और पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है विज्ञान का प्रारंभ किस विधि से होता है, तो निरीक्षण विधि से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, तो व्यवहार का विज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम उंट ने कब किया था, तो मनोविज्ञान के जनक विलियम उंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी के लीप्जिग शहर में 1879 को किया था। यहाँ पे 1879 राइट होगा, 1879 दोस्तों 1875 नहीं होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी, सबसे पहले तो जर्मनी के लीप्जिग शहर में 1879 में विलियम उंट के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है, तो के एम बंस ने कहा है। नेक्स्ट है दोस्तों लैटिन भाषा में परसोना का क्या अर्थ है, तो मुखौटा। पर्सनालिटी को यानी व्यक्तित्व को लैटिन भाषा में परसोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। नेक्स्ट है पर्सनालिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो किम्बल यंग ने लिखा है, जिन्होंने पर्सनालिटी को तीन भागों में यानी मुख्य रूप से दो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी में बांटा है, जिसमें दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं उसको एम्ब्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी मतलब उभयमुखी कहा है। ठीक है नेक्स्ट है दोस्तों किसने कहा कि व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित विनियमों का जोड़ है, तो इस बात को कहे हैं बेलेंटाइन ने। नेक्स्ट दोस्तों मनोविज्ञान के अंतर्गत अब हम बात करेंगे अभिप्रेरणा एवं संवेग की यानी मोटिवेशन एंड इमोशन की। दोस्तों इमोशन जो है मोर शब्द से आया हुआ है, मोटिवेशन जो है मोर शब्द से आया हुआ है, जो आपके एग्जाम्स में पूछा हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि आंतरिक प्रेरणा यानी जो अभिप्रेरणा होता है दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक जो होता है जन्मजात होता है, ठीक है, और जो बाह्य प्रेरणा होता है वो हम अर्जित करते हैं। आंतरिक प्रेरणा जैसे भूख प्यास एंड लार का आना, ये मूल प्रवृत्ति है यानी जन्मजात होता है, और जो अर्जित किया जाता है वो बाह्य प्रेरणा होता है। तो दोस्तों यहां पे है कि आंतरिक प्रेरणा के उच्चतम स्तर को क्या कहा जाता है, उसको प्रवाह बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है, तो बुद्धि और वातावरण से। नेक्स्ट है एससी बक एएच और पेरी एम 1992 ने एक एग्रेशन स्केल का निर्माण किया, जिसमें चार कारक शामिल हैं। कौन कौन से, शारीरिक आक्रामकता, मौखिक आक्रामकता, क्रोध और शत्रुता। नेक्स्ट दोस्तों खेल का आंतरिक पुरस्कार कौन है, तो खेल का आंतरिक पुरस्कार है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, न कि जीत हासिल करना। नेक्स्ट दोस्तों शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है, तो छात्रों पर प्रभाव यानी शिक्षक कितना अच्छा पढ़ा रहा है, छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वही निर्धारण करता है। नेक्स्ट है प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हजबर्ग के द्वारा। प्रेरणा का पुनर्बलन सिद्धांत स्किनर के द्वारा। एंड मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह परिभाषा दिया है क्रूक्स और स्टेन ने, यह दो बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट है उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है, तो उपलब्धि प्रेरणा व्यक्ति की आवश्यकता से संबंधित है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में अध्यापन और अधिगम की परिस्थिति की समझने में सहायता करता है, तो पर्यवेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन विधि। नेक्स्ट है दोस्तों किसने कहा है कि खेल संवेगों को स्थिरता प्रदान करने में सहायक करता है, तो स्किनर और हैरिसन ने कहा है कि जो खेल होता है, जो हमारे इमोशन होते हैं, उसको स्थिरता प्रदान करने में सहायता करता है।
नेक्स्ट है मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से सहानुभूति यानी सिंपैथी क्या है। एक सामान्य जन्मजात प्रवृत्ति होती है एक सहानुभूति देना किसी को। नेक्स्ट है वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाया या घटाता है तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पीड़ा। जो हमारी आंतरिक जो हमारी पीड़ा होती है, चाहे किसी को देख कर करे चाहे हमारे अंदर से आए, दो प्रकार की पीड़ा होती है, आंतरिक वह है, तो यह उत्साह बढ़ाता है या तो घटाता है। नेक्स्ट है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों थार्नडाइक है। अगर यहीं पे एसआर थ्योरी यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी थार्नडाइक का है, और आरएस यानी रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी यानी अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत स्किनर का है। नेक्स्ट है खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन यानी चिंता का कारण क्या होता है, तो यह होता है आकांक्षा और योग्यता के स्तर के बीच तालमेल न बैठा पाना। खेलों में संवेगों के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य यानी जन्मजात और अर्जित। नेक्स्ट है सभी मनोवैज्ञानिकों का प्रायः मत है कि खेल प्रेरणा होता है, तो यह संस्कृति की पूर्वी स्थिति होती है। खेल क्या है, यह प्रारंभिक स्थिति से ही विद्यमान है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और अर्जित। आंतरिक और वाह्य, आंतरिक जो होती है जैसे कि भूख प्यास एंड लार का आना किसी भोजन को देखकर, ये आंतरिक प्रेरणा है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, अपने आप आता है। जो वाह्य प्रेरणा जो होता है जैसे कि हम किसी को पुरस्कार देकर के प्रेरित किया जाता है, किसी को देख करके। नेक्स्ट है छोटे बच्चों में किस प्रकार की पीड़ा काम नहीं करती, तो आंतरिक पीड़ा काम नहीं करती है छोटे बच्चों के, क्योंकि वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं, जो चीज देखते हैं जैसा उसी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है खिलाड़ियों में निराशा यानी फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण होता है, समानता आकांक्षा और क्षमता स्तरों में अंतर हुए से। नेक्स्ट है प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है, तो दोस्तों इंस्टिंक्ट सिद्धांत यानी मूल प्रवृत्ति सिद्धांत रखता है जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत इंस्टिंक्ट सिद्धांत को दिया है मैकडूगल ने, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो बी एफ स्किनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि व्यवहार का कोई भी रूप जिसका उद्देश्य अन्य जीव को नुकसान पहुंचाने या घायल करने का लक्ष्य है किस रूप में जाना जाता है, तो यह आक्रामकता के रूप में जाना जाता है। अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आक्रामकता होगा, नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो वो आपका अच्छा होगा, मतलब खेलने में जो भाव है उद्विग्न है वो सही माना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों तनाव के लक्षणों को राहत देने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो तनाव को लक्षणों को राहत देने के लिए स्वतः जात प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा का चरित्र बहुआयामी है यानी मल्टी फैक्टर है, इसकी बहु विषय वस्तु किससे लिया गया है, तो व्यवहार विज्ञान से लिया गया है। नेक्स्ट है व्यक्ति से संबंधित मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, तो यह मेंटल टफनेस सेल्फ कॉन्सेप्ट मोटिवेशन टीम वर्क है। नेक्स्ट है दोस्तों प्राकृतिक अभिप्रेरणा को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा को हम मूल अभिवृत्ति या प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी के रूप में भी जाना जाता है, तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा के भी नाम से जाना जाता है। वह अभिप्रेरणा को कृत्रिम अभिप्रेरणा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सीखने में अधिक महत्व होता है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा में सीखने का अधिक महत्व होता है। दोस्तों यदि आप अंदर से प्रेरित है किसी चीज को सीखने के लिए तो सबसे बेहतर सीखेंगे, और किसी के द्वारा जबरदस्ती आप सिखाया जा रहे हैं प्रेरणा देकर के, तो वहां पे आपको सीखना उतना अच्छा नहीं होगा। तो सीखने में सबसे ज्यादा कौन प्रभावी होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट दोस्तों पैदाइशी तौर पर चिंतित होने का उदाहरण है, यानी पैदाइशी तौर पर जन्मजात वो चिंतित रहता है, अनुवांशिक है, तो उसे ट्रेट एंजाइटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेट एंजाइटी। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक खेल मनोविज्ञान से संबंधित था, जिसमें अधिगम अभिप्रेरणा एंड सीखने के सिद्धांत बहुत सारे टॉपिक को हमने इसमें सभी टॉपिक को मनोविज्ञान से रिलेटेड यहाँ पे कवर हो गया। आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे, और वीडियो बहुत लंबा हो गया बट आपके लिए बहुत इफेक्टिव है सभी एग्जाम्स के लिए।
तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रिसर्च पर, शारीरिक शिक्षा में, यानी शारीरिक शिक्षा में अनुसंधान जो है फिजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।